ये हो गया लेफ्ट साइड का, राइट साइड का फेंडर। देखिए इसका जो क्रॉस है तिरछी क्रॉस है, एकदम क्रॉस, मतलब ये पार्ट का जो बैंड है, मतलब ये क्रॉस है वो एकदम ओरिजिनल फेस में क्रॉस है, आपको दिख रहा है, ओरिजिनल फेस में है क्रॉस। अभी इस तरफ आइए आप, यहाँ जो क्रॉस दिख रहा है ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन निकल गया है, ये देखिए, ठीक है ना, विजिबल करा पाता हूँ, ये पोर्शन ये निकल गया है। दूसरा चीज का ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस की फिनिशिंग नहीं है, यहाँ ये क्रॉस जो है ये गोल आकार में, मतलब एक ऐसा होता है ऐसे होगा और ऐसे होगा डायरेक्ट, वो क्रॉस नहीं है। दूसरा यहाँ पे भी जो क्रॉस, उसको बनाना पड़ेगा फेंडर को निकाल के बनाना पड़ेगा, यहाँ से कोई हाथ घुसा के थप 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 मार देगा, उल्लू ऐसे मार देगा, रंग मार देगा, वैसा काम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ एग्जैक्टली जो फिनिशिंग है गाड़ी का, वही फिनिशिंग का हम लोग क्रॉस बनाएंगे। तो ये जो क्रॉस बनना है, ये क्रॉस बनाने के लिए मुझे फेंडर बाहर निकाल के इस यहाँ से लेके इसको बनाना पड़ेगा। ये साधारण यहाँ मार के रंग पुट्टी मार के भेज दिया वैसा काम नहीं होता यहाँ पे, ये ओरिजिनल फिनिशिंग में होगा। जैसा इस तरफ है, जैसे इस तरह आपको देख रहा है पूरा क्रॉस बम्पर टू बम्पर एज में बन गया है, ऐसा दिख रहा है ना आपको, फोकस करो, पूरा बम्पर से लेके पूरा फेंडर का क्रॉस का एज पूरा ऐसा बना हुआ है, मतलब ये जो एज है पूरा ऐसा बना हुआ है, यहाँ वैसा एज नहीं है। देखिए आप, ये जो है इधर गोल हो गया, गोल इस तरफ गोल हो गया है, ये जो है ये गोल हो गया है, और इस तरफ भी देखिए ये गोल वहाँ गोल हो गया, यहाँ भी गोल हो गया, और ये फ्लैट हो गया है, ये फ्लैट हो गया है। तो इसको एज बना के यहाँ तक लाना, तो इसको पूरा खींच के बाहर निकालना, ये हाथ से खींच देने से बाहर नहीं निकलेगा, इसको डेंट करके यहाँ हीट करके इसको सीधा करके लाना पड़ेगा। जो पुट्टी जो डाले हैं ये मोटा मोटी 3 mm के आसपास पुट्टी है, तो सेम यहाँ पे भी है, देखिए कितना मोटा। ये गाड़ी i20 जो अपने पास रिसीव हुआ है, गाड़ी नंबर है AS01BM8107। इसका फेंडर जो है यहाँ हम लोग ऑलरेडी सेट कर चुका है, बट ये इसको अभी डेंट करने के लिए हम लोग जो क्रॉस बनाना पड़ता है अपने को, ये हम लोग जब यहाँ क्रॉस के लिए कोशिश कर रहे हैं, देखें बहुत बचका हुआ है, सो वी ट्राई टू मेक इट सरफेस। तो हम लोग को देखें पुट्टी का जो लेयर है 3 mm तक पुट्टी है, तो अभी हम लोग उस पुट्टी को अगर मिलाने जाएंगे तो और पुट्टी फटेगा, पेंट भी नष्ट होगा। जब हम लोग पुट्टी हटाने शुरू कर दिए हैं तो कहीं कहीं ज़्यादा डेंट है, कहीं कहीं घुसा हुआ है, इधर घुसा हुआ है, इधर घुसा हुआ है, ये जो लाइन है ये लाइन मिला ही नहीं सका था, जहाँ लास्ट काम हुआ था वहाँ ये लाइन मिला ही नहीं सका था, ये लाइन इधर में घुसा हुआ है, ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए। तो जगह जगह जैसे इसका सरफेस बहुत ख़राब है, उस तरह से हम लोग अभी ग्राइंडिंग करते गए तो पुट्टी के साथ कलर को पूरा पीछे तक टालना पड़ा। अभी इस क्रॉस को बनाते अपने को यहाँ घुसा हुआ है, तो ये पूरा कंप्लीट काम करना पड़ेगा। सो जिस क्वालिटी का आप लोग काम मांग रहे हैं, उस क्वालिटी में जो पैसा कंपनी दे रहा है वो पैसा में काम नहीं होता। तो मेरा जो क्वालिटी लेवल है वो डिफरेंट लेवल का क्वालिटी है, मैं कोई रोड साइड गैरेज जैसा काम नहीं करता, अपना एक अलग ही स्टेटस है, और अपना गुडविल जो है वो अलग हम लोग मेंटेन करते हैं। जो कंपनी सोचता है कि नहीं हम लोग काम जो है रोड साइड गैरेज जैसा है काम है, वैसा काम नहीं होता है। मैं तो आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूँ, इतना गारंटी दे रहा हूँ कि डीलर से भी बढ़िया काम हम लोग करते हैं। सो क्वालिटी ये जो पहला काम करके आया है वो काम में हम नहीं कर पाए, इसलिए पूरा इसको ग्राइंडिंग करके निकालना पड़ा। इसको अभी मेंटेन करने के लिए हमको मोटा मोटी 2 घंटा चला जाएगा। सो ये आपको स्टेटस है, ये अपडेट है आपको ये वीडियो आज के लिए। कुछ कुछ कंप्लेंट आप लोगों को ये भी बोलना था, जो आप लोग पेंट का नेगोशिएशन बात करते हैं, यह देखें पेंट फट गया है,
मतलब इसके पीछे वाला जो कलर था, जो कस्टमर्स से पहले काम बना था, सपोज़ कीजिए ये बम्पर पहले भी कहीं पे लगा था, टूटा था, या इसको पेंटिंग किया गया था, तो यहाँ देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये स्पाइडर क्रैक हो गया है यहाँ। अब ये सब ट्रीटमेंट का कॉस्ट अलग से, तो आप लोग जो नेगोशिएट करते हैं बम्पर में, इतना पैसा देंगे इतना देंगे, क्या होता है कभी कभार ना उल्टा पड़ जाता है अपने को, ये सब एक्सपेंसेस जो अपना जेब से जाता है, इसलिए जितना हो सके नेगोशिएट मत कीजिए, जो अपना रेट बनता है उसको खुशी खुशी दीजिए, ताकि हम लोग काम करने में मज़ा आए। अभी इसमें ट्रीटमेंट करेंगे अलग से खर्चा अभी, राइट। काम जहाँ करता है कस्टमर, पहले जो कस्टमर काम करके आया, कोई घटिया सा कंपनी में काम कर लिया होगा, ये सब कलर के ऊपर जब हम लोग काम करने जाते हैं, इतना तो हम लोग भगवान नहीं है कि पुराना कलर क्या है पता चलेगा, जिसके ऊपर हम लोग घिसाई करते हैं, घिसाई करके क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करके बॉडी फिलर डाल के फिर पेंट करना स्टार्ट कर देते, फिर ये काम हो गया, है ना। डैट इज़ द प्रॉब्लम अगर आप घटिया कलर यूज़ करते हैं तो।